हेलो गाइस, हाउ आर यू? सलाम अलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बगैर आपकी लैब नहीं चल सकती। कोई भी लैब हो, दुनिया भर में कोई भी लैब हो, अगर आप उसमें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस नहीं करते तो वो नहीं चलेगी। आप बेशक उसमें जितनी मर्जी जिद्दत ले आए, लेकिन जब उसमें आप बेसिक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस ही नहीं करेंगे तो वो लैब अच्छी नहीं चलेगी। ठीक है, तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती क्या है और वो उसके प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती क्या है। तो इसमें आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इक्वालिटी सिस्टम कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड द कंडीशन अंडर विच नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज आर प्लान्ड। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं तो उसके लिए एक प्लान होना जरूरी है। फिर आप उसको परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के बाद उसकी मॉनिटरी उसको मॉनिटर किया जाता है कि वाकई ये जो काम किया वो सही हुआ है। फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं और अपने रिपोर्ट में लिख के उसको आर्चिव कर लेते हैं, और अगर वो रिजल्ट अच्छे हो तो फिर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, असल में गुड लेबोरेटरी का प्रैक्टिसेस का मकसद ही ये है कि आपको प्लानिंग से लेके यानी कि पब्लिकेशन तक आसानी हो। आपने काम को प्लान किया हुआ है कि आपने 6 माह में करना है या 8 माह में, उसके बाद आप उसको उसी ड्यूरेशन में परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्मेंस को आपका सुपरवाइजर और आपकी दारा दारा जिसमें मसलन यू आस है आपका दारा, तो उसमें आप काम कर रहे हैं तो वो मॉनिटर हो रहा है। ठीक है, फिर आप उसके रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी फाइल बनाते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है, उसको आर्चिव कहते हैं, और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। द पर्पज इज नॉट टू असेस द इंट्रिंसिक साइंटिफिक वैल्यू ऑफ ए स्टडी। इसमें हम अंदर की बातें नहीं करते, सिर्फ ये जो प्लानिंग और उसकी यूटिलाइजेशन है उसी के ऊपर। कैसे GLP का कंसेप्ट आया? इन अर्ली 1970 के अंदर जो अमेरिका की एक एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसने इन्वेस्टिगेट किया ए नंबर ऑफ केसेस ऑफ पुअर प्रैक्टिस इन टॉक्सिकोलॉजी लेबॉरेटरी थ्रू आउट द US। उन्होंने क्या किया, बड़े मॉकिंग जो है एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये क्या किया कि एक माउस के ऊपर कॉस्मेटिक और डिओड्रेंट लगाया, उसको कैंसर हुआ और वो डाई हो गया, और बाद में वो कह दिया कि ये जो डिओड्रेंट है या ये जो टॉक्सिक है इसकी टॉक्सिसिटी ह्यूमन को नहीं होगी, ठीक है, इसको कैंसर नहीं होगा। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट देखी, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज देखी, तो उसमें थोड़ा फैक्ट आना शुरू हो गया, तो वो उन लोगों को फिर जेल में डाला गया। उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं किया, ये जो माउस की डेथ है इसको रिपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी लैब भी बंद हो गई और उनके ऊपर बैन भी लग गया और उनको जेल भी हो गई। द FDA डिसाइडेड टू परफॉर्म एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इन 40 टॉक्सिकोलॉजिकल लेबॉरटरीज इन USA। सब में जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही थी। FDA डिस्कवर फ्रॉड केसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला फ्रॉड क्या था? इनएडिक्वेट करेक्टराइजेशन ऑफ टेस्ट एटम एंड टेस्ट सिस्टम। टेस्ट एटम लाइक कोई आपने फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाई है, उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट आइटम, और जिसके ऊपर आपने लगाना है एनिमल या ह्यूमन के ऊपर, उसको हम टेस्ट सिस्टम कहते हैं, उसकी इनएडिक्वेट करेक्टराइजेशन थी। यानी कि जो उन्होंने माउस के ऊपर या एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो था ही गलत, तो फिर उन्होंने उसको सेफ कह दिया ह्यूमन यूज के लिए, तो उस वजह से उनके ऊपर बैन लगा। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास तो वो फैसिलिटीज हैं ही नहीं जो ये कर सकती हैं, लेकिन आपने रिजल्ट रिपोर्ट किए हुए हैं, इसका मतलब है ये आपकी जो स्टडी है वो इनएडिक्वेट है। इक्विपमेंट्स वर नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, यानी कि आपने उसकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं की, उसका जो मसलन अगर pH मीटर या विंग बैलेंस अगर खराब है तो आपके सारे रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएंगे, वो सारे खराब तो खराब से खराब होते जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर आपका वेग बैलेंस एरर दे रहा है तो वो एरर प्रेडिक्ट होगी आपके रिजल्ट के अंदर, तो उसको भी कैलिब्रेट करना हर 3 4 माह के बाद बहुत जरूरी होता है। रिपोर्ट्स आर नॉट सफिशिएंटली वेरीफाइड, इनएक्यूरेट काउंट फॉर स्टडी ऑफ आर रॉ डेटा। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश की वो वेरीफाइड ही नहीं थी, इनएक्यूरेट थी, और जो रॉ डेटा है वो भी इतना कोई अच्छा नहीं था। इनएडिक्वेट आर्चिव्स एंड रिट्रीवल प्रोसेस, जो उन्होंने फाइलें बनाई हुई थी वो भी इनएडिक्वेट थी, उसमें सारे रिजल्ट मेंशन नहीं थे और ना ही उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं सारी फाइल्स को। तो वो सारा जो प्रोसेस था, रिट्रीवल होता है कि पुरानी फाइल स्टोर की हुई है किसी डिस्क के अंदर या किसी अलमारी के अंदर आपने, तो वो दो, दो वो उधर से रिट्रीव ही नहीं हुई, हासिल ही नहीं हुई, तो ये सारी बैड प्रैक्टिसेस हुई। तो ये वो जो एक्सपीरियंस हुआ कि लैब के अंदर जो बायोटेस्ट लैब थी, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द माइस दैट हैव यूज्ड टू टेस्ट कॉस्मेटिक सच एज लोशंस ड्यूडेंट हैड डेवलप कैंसर एंड डाइड। उन्होंने देखा कि जिनके ऊपर उन्होंने लोशन और कॉस्मेटिक लगाई वो जो माउस है माइस है उसकी डेथ होगी। थ्रू द डेड माइस एंड कवर रिजल्ट डीमिंग द प्रोडक्ट गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है ह्यूमन जो यूज के लिए। दोज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल फॉर द लैब इवेंचुअली सर्व्ड जेल टाइम, उनको जेल में जेल की हवा खानी पड़ी। फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ गुड जेएलपी, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सी उसके अंदर लैब है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनल कौन काम के, वो क्वालिफाइड पर्सनल्स हैं या नहीं, मसलन किसी ने वो जीसीएमएस स्टार्ट करना है लेकिन उसके पास उसकी ट्रेनिंग या उसके पास वो केमिस्ट्री का बंदा नहीं है, बायोकेमिस्ट्री का बंदा नहीं है, या वो उसके ऊपर उसकी ग्रेफ्ट नहीं है, तो वो कैसे चलाएगा उस इंस्ट्रूमेंट को। इसी तरह अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो रहा है लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उसको एक केमिस्ट्री का बंदा अच्छा चला सकता है, एक इंजीनियर अच्छा चला सकता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है बंदे वो होने चाहिए वेल क्वालिफाइड और स्पेसिफिक होने चाहिए उस फील्ड के। फैसिलिटीज के, वो फैसिलिटीज मसलन मैं आप किसी लैब में भेज देता हूँ सैंपल, इसमें सारे एनालिसिस होने चाहिए, इसमें फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लेकिन उसमें एक आध मिसिंग है, तो उसका मतलब है उसमें जो मिसिंग है वो हमें उस लैब में नहीं भेजना चाहिए, तो जहाँ पे फैसिलिटी है उधर ही भेजना चाहिए। इक्विपमेंट सारे कैलिब्रेटेड होने चाहिए और उसकी रैशनलाइजेशन करनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करनी चाहिए। कैरेक्टराइजेशन टेस्ट सिस्टम और टेस्ट स्ट्रेटजी, सारी जो आपका ड्रग है उसके टेस्ट करने के सारी तरीके आने चाहिए कि उसकी हाफ लाइफ कितनी है, वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, उसमें कोई कंटेमिनेशन आने के चांसेस है कि नहीं, ये सारा कैरेक्टराइजेशन में होगा। टेस्ट सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ह्यूमन एनिमल्स वगैरह, उसमें कंप्लीटली कैरेक्टराइज किया होगा ये इफेक्ट शो करता है ये ड्रग्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद। स्टडी प्लान एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये भी होना चाहिए, ये रूल्स में होना चाहिए कि क्या एक बंदे को जो ये काम कर रहा है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपके जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, जो रॉ डेटा आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट रॉ डेटा तभी अच्छा होगा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल फैसिलिटीज कैरेक्टराइजेशन और रूल्स यानी कि एसओपी जिसने कंप्लीटली फॉलो किए होंगे, और जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसको आप आर्चिव करते हैं यानी कि फाइल में लगा देते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में ऑडिट आ जाता है, इंस्पेक्शन आ जाती है, यानी कि बाहर से टीमें आती हैं वो देखती हैं प्रोडक्ट को कि ये सेफ है ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। क्या आपने ट्रेनिंग दिलवाई है, अगर ट्रेनिंग दिलवाई है तो इसका मतलब है आप ट्रेनिंग ली हुई है या ट्रेनिंग आपने दी हुई है, तो इसका मतलब है आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरी ग्रिफ्ट है और पूरा इंस्पेक्ट किया हुआ है। एडवाइस आपने किसी अच्छी एजेंसी से ली है जो उसके ऊपर काम कर रही है, किसी अच्छी कंपनी से आपने एडवाइस ली है जो उसके ऊपर काम कर रही है, ये क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है। ये जो क्वालिटी कंट्रोल है जो उधर काम करने वाले होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस से अंदर टीम होती है जो आके इंस्पेक्ट करती है, देखती है कि इसमें ट्रेनिंग हुई है कि नहीं,
इसमें ट्रेनिंग स्टाफ है कि नहीं, किसी अच्छी कंपनी से या इंडस्ट्री से आपने ली है हेल्प के नहीं। तो रिसोर्सेज में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो मैनेज कर रही होती है सारी चीज़ों को, मसलन यूआस है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। मैनेजमेंट मस्ट टेक अवर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ द कंडक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग ऑल साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। तो इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कौन सी फील्ड के लिए कौन सा बंदा ठीक है। अगर वो बंदा चाहिए किसी लैब के अंदर केमिस्ट्री का और वो बायो का रख लेते हैं तो उस तरह काम नहीं चलते। जेएलपी आल्सो स्ट्रेसेस दैट देयर शुड बी सफिशिएंट स्टाफ टू परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड। द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ मस्ट आल्सो बी डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, यानी कि जो सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, किसी ये नहीं है कि आपके पास 10 लैब है तो 10 लैब में सिर्फ 3-4 के बंदे रखे हुए हैं तो वो काम नहीं चलेगा। वो काम तभी चलेगा जब सारी लैब्स के लिए वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा। ठीक है, और ट्रेनिंग भी उसने ली हुई है। ये यहाँ पे ट्रेनिंग का रिवाज क्या कम है, आप देनी शुरू हो गए तो जो भी क्वालिफाइड स्टाफ आप नया हायर करते हैं उसको 3-4 माह की ट्रेनिंग लाजमी होती है, तभी वो काम सही तरीके से सर अंजाम कर सकता है। फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट वो देखें कि आपके पास जो आपने एनालिसिस करने हैं उसकी सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, उसके सारे पैरामीटर सही हैं। तो रेगुलेशन एम्फसाइज द नीड फॉर सफिशेंट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट टू परफॉर्म द स्टडी, कि आपके पास वो सफिशेंट फैसिलिटीज मौजूद है जिस जो स्टडीज आपने करनी है। ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी इन वर्किंग ऑर्डर। ये नहीं है कि आपने इतना एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट मंगवाया हुआ और जो बंद पड़ा है, लाइक GC हो गया, HPLC हो गया। टू इंश्योर दिस ए स्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ क्वालिफिकेशन कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस मस्ट बी अडॉप्टेड। मसलन अगर आपने HPLC को चलाना होता है उसको हर चलाने के बाद वॉश करना होता है, और अगर नहीं चल रही तो हर दो 1-2 माह बाद उसको वॉश करना पड़ता है बफर के साथ, वरना उसके कॉलम जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये जो है कैलिब्रेशन का और वॉशिंग का सिस्टम लाजमी होना चाहिए। वी शुड हैव प्रायर एंड प्रॉपर नॉलेज। करेक्टराइजेशन में क्या होता है, मसलन आपने एक प्रोटीन को अलग किया है, सेपरेट किया है, वो आपको पता चल गया कि वो प्रोटीन है। अब आपको पता नहीं है लग रहा कि वो कौन सी प्रोटीन है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उस प्रोटीन को जो जब आप करेक्टराइज करते हैं उसका मॉलिकुलर वेट देखते हैं, SDSPACE और उसके दूसरे करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो वो होती है करेक्टराइजेशन। मसलन आपने फार्मास्यूटिकल एक ड्रग्स बनाई है तो उसके करेक्टराइजेशन क्या होती है कि आप एनिमल के ऊपर या इंजाइम के ऊपर उसका टेस्ट करते हैं, वाकई वो रिक्वायर्ड एक्टिव साइट के ऊपर या एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके लग रही है और अपना काम सर अंजाम दे रही है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एटम जो है वो आपने जो बनाई है उसको टेस्ट किया है, क्या उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर सही है या क्या उसमें क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, प्रोडक्शन के दौरान जो टीम काम कर रही होती है वो उसने सही काम किया है नहीं, अगर नहीं किया तो उसमें कंटेमिनेशन आ सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं, तो इसका मतलब है वो टेस्ट आइटम सही नहीं बना। या फिर क्वालिटी एश्योरेंस है कि आपने यहाँ पे पत्तोगी में बनाई है वो ट्रांसपोर्ट होके इस्लामाबाद गई है, तो इसका मतलब है उसके यहाँ से लेके इस्लामाबाद जाने तक और जब तक उसकी हाफ लाइफ है उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन या क्रैक्स नहीं आने चाहिए। टेस्ट सिस्टम जो एनिमल और प्लांट आप जिसके ऊपर ये एनालिसिस कर रहे हैं वो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आए, उसमें कोई ऐसी डैमेजिंग इफेक्ट तो नहीं आए, तो ये सारी आप करेक्टराइजेशन में स्टडी करते हैं। तो ये ऑपरेशन से लेके टेस्ट सिस्टम तक इसमें होता है, ऑपरेशन स्टडी टेस्ट आइटम्स एंड टेस्ट सिस्टम। तो आगे आपका SOPs यानी कि रूल्स होने चाहिए। रूल्स मस्ट जो आपका इंस्टीट्यूट है, होता क्या है कि मसलन आपके पास 700 इंस्ट्रूमेंट है तो 700 के 700 की SOP बनती है, और SOP का एक नंबर होता है जो एक अथॉरिटी यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो अलाट करती है। इधर मैंने नहीं देखा, बल्कि ये पाकिस्तान में भी कहीं पे भी मैंने देखा, ये फॉरेन में होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं उसका एक SOP होता है,
और वो SOP फिर यूनिवर्सिटी के पास उसका नंबर होता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी होती है, उसका हार्ड कॉपी भी होती है, अगर किसी को चाहिए होती है वो उसी वक्त उधर से निकलवा के, और लेमैन भी उस पर काम कर सकता है थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर। द इंस्टीट्यूट रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्टिंग JLP स्टडी मस्ट बी डिफाइंड इन डॉक्यूमेंटेड अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट। रूल्स डिफाइनिंग हु डज व्हाट के कौन क्या करेगा, हो कैसे करेगा, व्हेन कब करेगा, एंड वेयर कहाँ पे करेगा, ये सारी डिटेल होती है SOP के अंदर, जिसको प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। दिस डिस्क्राइब हो द स्टडी इज डिजाइंड एंड हो इट इज कंडक्टेड इंक्लूडिंग द एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी। द स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शन अबाउट द हो द एक्चुअली परफॉर्म ईच टेक्निकल प्रोसीजर एंड हो टू इंश्योर साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड डेटा। ये सारे SOP में लिखी होनी है कि आप ने किस तरह स्टडी परफॉर्म करनी है, और कौन कौन से टेक्निकल और कौन कौन से फिजिकल एस्पेक्ट की तरफ आपने देखना है। फिर आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं, ऑल स्टडीज जनरेट रॉ डेटा, जितनी भी स्टडीज हैं वो रॉ डेटा आते हैं, उसको फिर आप आर्चिव कर लेते हैं। दीज आउटकम ऑफ रिसर्च एंड फाउंड द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन एंड अराइविंग एट अ कंक्लूजन। द रॉ डेटा मस्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द प्रोसीजर एंड कंडीशन ऑफ द स्टडीज। तो जो आपका SOP अगर आपने सही फॉलो किया है तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आपने इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन सारी अच्छी लिखी है तो वो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप उन रिजल्ट को फॉलो नहीं करें तो इसका मतलब क्या है, आपके रॉ डेटा जो आया वो सही नहीं होगा। फाइनल रिपोर्ट द स्टडी रिपोर्ट कंटेन द डिटेल इंफॉर्मेशन दैट हो द स्टडी वाज परफॉर्म्ड, वो उसमें सारी होती है कि किस तरह आपने सैंपल कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसमें लेवल डिटरमिन किया और उसको किस तरह इंटरप्रेट किया। इनकॉर्पोरेट द स्टडी रिजल्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड द साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, के किस तरह आपने कंपेयर किया दूसरे वर्क के साथ। द रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज एज पार्ट ऑफ द सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग अप्रूवल। फिर आप अथॉरिटीज को देते हैं कि आपका जो काम है वो ठीक है, तो अगर प्रूव हो जाता है फिर आप उसको स्टोर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क एंड इन द फॉर्म ऑफ फाइल फॉर मेनी ईयर्स एंड हो एंड लो द प्रमोटर रिट्रीवल। और जब आपको चाहिए होता है आप इजीली उस फाइल से, उस डिस्क से स्टोर कॉपी ले सकते हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस यानी कि प्रोडक्शन और आपकी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट ने प्रोडक्शन कर ली है, अब क्वालिटी इंश्योरेंस जो यूनिट है वो आएगा और उसके देखेगा कि वाकई आपने काम सही है, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, उसमें हाफ लाइफ कितनी है, ये सारा जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट आपका चेक करता है। क्वालिटी इंश्योरेंस एज डिफाइंड बाई JLP इज ए टीम ऑफ पर्सन चार्ज विद अश्योरिंग मैनेजमेंट दैट JLP कंप्लायंस हैज बीन अटेंड विद इन द लेबोरेटरी। क्वालिटी एश्योरेंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी बीइंग परफॉर्म। जो आप मसलन आप वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वैक्सीन बनाने वाले जो हैं वो नहीं क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस बस की टीमें आएंगी, वो देखेंगी कि वाकई जो प्रोडक्ट बना है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही या उसमें कोई और खराबी तो नहीं आ रही, वो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट चेक करेगा। क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन एज ए विटनेस टू होल नॉन क्लिनिकल रिसर्च प्रोसेस। इसमें जो जितने भी नॉन क्लिनिकल रिसर्च प्रोसेस हो रहे हैं, ड्रग्स की फार्मुलेशन से लेके और उसकी हाफ लाइफ की डिटर्मिनेशन, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ने करना होता है। स्टडी प्लान कंटेन द इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन, इसमें आपकी स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शन आ जाती है कि जो आपने स्टडी किया वो ठीक है कि नहीं है। फैसिलिटी बेस्ड इंस्पेक्शन के जो जहाँ पे आपने ये फैसिलिटी लगाई है यानी कि वैक्सीन यूनिट लगाया है वहाँ पे जो इंस्पेक्शंस हुई है कि नहीं हुई। प्रोसेस जब ये आपका सिस्टम लग जाता है फिर प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं, फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं जितनी भी इंस्पेक्शन हुई है और उसके डेटे को रिटेन कर लेते हैं। पर्पज ऑफ JLP प्रमोट द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टेस्ट डेटा, ये मेजर जो है पर्पज है किसका,
गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का। एनी वे, अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं तो वो रिजल्ट वैलिड होंगे और उसमें आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। ए टेस्ट टूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी स्टडीज। तो ये मिशन क्या होता है जीएलपी का, क्या जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो रिलायबल है, क्या जो प्रोडक्ट बनाया उसी तरीके को यूज करके आप दोबारा बना सकते हैं, ये रिपीटेबल है, क्या वो सब एजेंसी ने चेक किया हुआ है, ऑडिटेबल है, क्या उसको जो प्रोडक्ट बनाया उसको चेक किया जा सकता है, रिकॉग्नाइज बाय साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड, और उसको फिर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको जाने, तो फिर वो आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मानते हैं पूरी दुनिया में। रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है कि आप के किसी प्रोडक्ट की टॉक्सिक टॉक्सिक है वैल्यू, लेकिन वो टॉक्सिक वैल्यू नहीं आ रही है, इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट क्या होते हैं कि एक प्रोटीन किसी सैंपल के अंदर है या नहीं है और वो आ रही है, तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कहते हैं। तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी कम होने चाहिए और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी कम होने चाहिए सारे एनालिसिस के अंदर। फॉल्स नेगेटिव मीन्स ए सेट ऑफ रिजल्ट दैट फॉल्सली रिपोर्ट्स दैट ए टेस्ट एटम इज नॉन टॉक्सिक व्हेन इट इज रियली इन रियलिटी इट इज टॉक्सिक, यानी कि रियलिटी में वो टॉक्सिक है लेकिन वो नॉन टॉक्सिक रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। एश्योर दैट द डेटा आर ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी। तो ये जो डेटा आपने लिया है वो आपने सही काम करके लिया है या वही इधर उधर से उठा लिया है, तो ये हमें पता चल जाता है दूर से ही। प्रमोट इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ द स्टडी डेटा बाय पब्लिशिंग इट, लिमिटिंग वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम से कम आप वेस्ट करें, इंश्योरिंग हाई क्वालिटी ऑफ स्टडी डेटा, वो तभी आएगी जब आप जीएलपी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट डेटा तभी होगी जब आपने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। तो ये आपके पास है डेटा सबमिशन टू रेगुलेशन अथॉरिटी एफडीए के लिए, तो आपके पास टेस्ट फैसिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल ये अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, अपरेटस मटेरियल और रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, टेस्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, टेस्ट और रेफरेंस आइटम अच्छे होने चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी अच्छी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, स्टोर और रिट्रीवल सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए एक अच्छी जीएलपी के लिए। जनरल लेबोरेटरी रूल्स क्या है, ईच पर्सन इन लैब शुड मेंटेन ए हार्ड बोन, ये मैंने यूएस में बहुत कम देखा है। जब भी आप किसी लैब में काम करते हैं, एक लैब लॉग बुक होती है हार्ड बाउंड, और एक होती है स्टूडेंट लॉग बुक, और तीसरी होती है आपके स्टूडेंट की लॉग बुक, ये हार्ड बाउंड होती है। और जब जो आपके लॉग बुक होती है ना लैब की, वो पूरे लैब के उसमें रिकॉर्ड होता है और उसमें किसने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और ये किसके अंडर है सारा उसमें लिखा होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट लॉग बुक होती है उसमें लिखा होता है कि किस टाइम पे किस स्टूडेंट ने काम किया और कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम किया है, और ओके है रिपोर्ट, अगर वो सही काम कर रहा है तो ओके लेके आगे आगे अपने साइन कर देगा। तो ये मैंने कहे बहुत कम देखा है। इसके अलावा ये तो इंस्ट्रूमेंट एक होती है लॉग बुक स्टूडेंट की, उसमें स्टूडेंट का एक दिन में जितना काम किया होता है, कितने टाइम पे कितने बजे ये काम किया, वो सारा लिखा होता है रिकॉर्ड, और वो एंड के ऊपर सुपरवाइजर और उसके स्टूडेंट के साइन होते हैं। ये होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। डू नॉट क्राउड द एंट्रीज, यानी कि एक ही जगह पर आपने नहीं सारा कुछ ऐड कर देना, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। डू नॉट डिलीट अवर राइट आर रेज इंस्टेड क्रॉस आउट, ये अगर आपने लॉग बुक बनाई है तो उसमें कोई चीज डिलीट नहीं करनी है, कांटे लगा रहे हैं ऊपर, बस एक छोटा सा आप लाइन लगा के और उसको अगले पेज पे लिख दें। डू नॉट रिमूव पेजेस फ्रॉम द नोटबुक, आपने कोई भी पेज नहीं जिसको नंबरें दी हुई है वो आपने रिमूव नहीं करना। जनरल रूल्स क्या है, लैब शुड बी क्लीन, एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए, हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, फ्यूमिगेशन यानी कि उसमें बैक्टीरिया फंजाई और दूसरे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए प्रोडक्ट ये स्प्रे होने चाहिए, ऑल केमिकल शुड बी लेबल्ड, ये नहीं है कि आपको पता ना हो कि टॉक्सिक कौन से हैं, नॉन टॉक्सिक कौन से हैं और फ्लेमेबल कौन से हैं, ये सारे लेबलिंग होनी चाहिए। स्विच ऑफ द पावर वाइल लिविंग, जब आप बाहर जाएं तो आप सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर जाए के जाएं, रिमूव स्लीपर बिफोर एंटरिंग द लैब, आपने शूज पहने होने चाहिए,
लैब में एंट्रोनल के दौरान। ठीक है, तो एक तो अच्छा सा सिंक होना चाहिए लैब के अंदर, ठीक है। दूसरा, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है और उसको आपने अच्छी तरह लेबल करके फिर ही रेफ्रिजरेटर या इनक्यूबेटर में रखना है, तो आपका वर्क एरिया वो सैनिटाइज होना चाहिए 70% एथेनॉल से, अच्छी तरह उसको वॉश करना चाहिए, और जितने भी वेस्ट हैं उसको प्रॉपर जो है वेस्ट बॉक्स में डालना चाहिए। ये जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसको रेड बॉक्स में डालते हैं, और जो लेस टॉक्सिक है उसको हम येलो बॉक्स में डालते हैं, और जो बिल्कुल ही टॉक्सिक नहीं होते उसको ब्लैक बॉक्स में डालते हैं। तो बायोलॉजिकल मटेरियल जितना भी वेस्ट होता है वो कंटेमिनेट एटम्स मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड विद द लेबल साइंस एंड कलर्स। मसलन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एरिया होता है उसको हम येलो कलर जो के उससे बचाना होता है, उस कलर से आईज को और स्किन को। बायो हैजर्ड का ये साइन होता है, जहाँ पे ये लगा होगा वो इसका मतलब है वहाँ पे टॉक्सिक केमिकल या इनफ्लेमेबल केमिकल्स हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बायो सेफ्टी कैबिनेट आपने यूज करना है अगर आप कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट करते हैं। अगर आप लेस टॉक्सिक मटेरियल के ऊपर काम कर का रहे हैं तो बायो सेफ्टी कैबिनेट 1 यूज करेंगे, अगर थोड़े से हार्मफुल है तो उसमें एक बायो सेफ्टी कैबिनेट 2 यूज करेंगे, और अगर आप वायरसेस के ऊपर काम कर का रहे हैं तो 3 करेंगे, और अगर आप प्रियॉन्स और हाईली टॉक्सिक प्रोटीन के ऊपर काम कर का रहे हैं तो वो 4 में आ जाता है। तो आपने हैंडलिंग किस तरह करनी है, रिएजेंट यूज बी स्पेसिफाइड इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, अगर आपने 10% लिखा हुआ है तो रिएजेंट 10% ही बनाना है, अगर आपने 1 मोलर लिखा हुआ है तो 1 मोलर ही बनाना है। परचेजिंग एंड टेस्टिंग शुड बी हैंडल्ड बाई क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ये जितनी भी आप परचेजिंग करते हैं और टेस्ट को सिस्टम ड्रग्स को देखते हैं, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट चेक करता है। रिएजेंट एंड सॉल्यूशन शुड बी लेबल्ड, कितना आपने मोलर बनाया है वो लेबल होने चाहिए, कितनी परसेंटेज में बनाया वो लेबल होना चाहिए। आउटडेटेड रिएजेंट एंड सॉल्यूशन शैल नॉट बी यूज, जो एक्सपायर हो गए हैं उसको नहीं यूज करना, और एक्सपायरी डेट भी लिखनी चाहिए जो भी लेबलिंग करेंगे। तो इसमें आपको वो हैजेडियस केमिकल जो है उसका पता होना चाहिए, एक टॉक्सिक केमिकल का पता होना चाहिए, मसलन जो आपका थीडियम ब्रोमाइड है वो कैंसर काज कर सकता है। फ्लेमेबल केमिकल का पता होना चाहिए, डाइथाइल ईथर एसीटोन और ट्राईथाइलमीन और एथेनॉल, ये आग पकड़ लेते हैं और इसको फ्लेम के नज़दीक नहीं लेके जाना। बी केयरफुल नॉट टू स्प्ले एनी फ्लेमेबल सॉल्वेंट वरना वो आग पकड़ लेगा। क्रोसिव लाइक जितने भी एसिड होते हैं और सम बेसिस ये क्रोसिव हैं, ये रिएक्ट कर सकते हैं, तो इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर, सो एज नॉट टू स्पिल देम आर इनहेल देयर वेपर एंड वियर प्रोटेक्टिवली। ये कभी भी आपने वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना, वरना वो आपके एसिड मुंह के ऊपर आएगा। आपने हमेशा पानी के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर पानी नहीं डालना, ठीक है, ये रूल बना ले। तो और क्या है कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉस्मोटिक इज अ फॉरबिडन एरिया वेयर हैजार्डियस केमिकल यूज। जहाँ पे हैजार्डियस केमिकल्स होते हैं वहाँ पे ना तो आप स्मोकिंग कर सकते हैं, ना ड्रिंकिंग, ना कोई ईटिंग कर सकते हैं। इंस्पेक्ट इक्विपमेंट आर अपडेटेड फॉर डैमेज बिफोर एडिंग ए हैजार्डियस केमिकल। वह नहीं है कि आप डैमेज इंस्ट्रूमेंट उसमें केमिकल ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे से लीक होके आपके ऊपर ही आ रहा है, तो ऐसा इक्विपमेंट आपने नहीं यूज करना। माउथ पाइपिंग नहीं करनी, और इसके लिए बल्ब या सकर यूज करने चाहिए, वरना वो अगर आपके इंटेस्टाइन में चला गया वो बैड इम्पैक्ट छोड़ेगा। इक्विपमेंट हैंडलिंग मेंटेनेंस एंड रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, पीएच मीटर, विंग बैलेंस स्केल्स, ये सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कैलिब्रेट, मसलन अगर आपने विंग बैलेंस को कैलिब्रेट करना है तो आपके पास वेट होने चाहिए 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एंड 1 ग्राम। तो अगर एक्यूरेट वेट आ रहा है इसका मतलब है आपका ने जो वेइंग बैलेंस है वो कैलिब्रेटेड है, और अगर वो नहीं आ रहा तो वो कैलिब्रेटेड नहीं है, उसमें कहीं करोजन वगैरह रोजर वगैरह आ गई है। ग्लासवेयर जो है जितने भी हैं उसको आपने डिटर्जेंट, क्रोमिक एसिड या डिस्टल वाटर से अच्छी तरह से वॉश करना है, और अगर कोई
ऐसा एजेंट है क्रॉस लाइक ग्रीस वगैरह है जो वाश नहीं हो रही है, उसके लिए आप SCL यूज कर सकते हैं, वरना मोस्टली हम डिटर्जेंट सॉल्यूशन यूज करते हैं वाशिंग के लिए, और अगर कोई हार्ड बाउंड केमिकल है उसके लिए हम एसिड यूज कर सकते हैं। आफ्टर द ग्लास वेयर एंड बोटल हैव बीन क्लीन्ड, रिंस थॉरली विद रीजेंट वाटर, डबल डिस्टल वाटर। स्टीरिलाइजेशन आप ऑटोक्लेविंग से करते हैं, ऑटोक्लेविंग में जो है आप हाई टेम्परेचर देते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 PSI का प्रेशर देते हैं 15 मिनट के लिए था, और उसमें वाटर भी होता है, उसके वेपर बनते हैं और सारे स्पोर्स वगैरह किल हो जाते हैं बैक्टीरिया के और फंजाई के। ऑल मटेरियल बीइंग ऑटोक्लेव्ड मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद स्टीम एंड हीट टू कम्प्लीट स्टरीलाइज। इसके अलावा ड्राई हीट भी कर सकते हैं ओवन के अंदर 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, अगर वो आपका जो ग्लास है वो थर्मोस्टेबल है। विंग बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसकी कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि इस विंग बैलेंस में अगर थोड़ी सी भी क्रोजन लग गई है, उसके ऊपर कोई मटेरियल रिएक्ट कर गया, तो वो आपकी रीडिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपने हर यूज़ के बाद उसको साफ करना है, ठीक है, उसके साथ क्या नाम है उसका, आपका टिश्यू है, वाइब्रेशन फ्री इन्वायरमेंट अगर देना है, और अगर आपका डिजिटल वेइंग बैलेंस है तो फिर आपने हवा से भी उसको बचाना है। तो आपने जब भी आपने लैब में जाना है, तो अगर आप सॉल्वेंट को डील कर रहे हैं तो गूगल पहनने चाहिए, ग्लव्स आपको पहनने चाहिए, लैब कोट पहनना चाहिए और शूज होने चाहिए, ये नहीं है कि स्लीपर पहन के चले जाए। फेस मास्क में आपके पास आप फेस शील्ड हो सकती है, फेस मास्क हो सकता है, ऊपर हेड के ऊपर कवरिंग हो सकती है, तो ये आपको सेव कराएंगे फ्रॉम हार्मफुल फैक्टर। फायर एक्सटेंगुइशर और फायर प्रोटेक्शन के लिए जो होते हैं वो फायर एक्सटेंगुइशर होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सैंड है, और दूसरे फायर ब्लैंकेट यानी कि कपड़े जो आग नहीं पकड़ते। फायर अलार्म होनी चाहिए, अगर धुआं फैल जाए तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाए। फर्स्ट एड किट होने चाहिए, जिसमें सारी ड्रग्स होती हैं, बैंडेज होती हैं और सॉल्यूशंस होते हैं। आई वॉशर होने चाहिए जो आपकी आंखों में डायरेक्ट पानी फेंकते हैं, और शावर का सिस्टम होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ मटेरियल, तो जो आपका मटेरियल है इन्फेक्शियस मटेरियल, उसको स्टोर करने के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो लीक प्रूफ कंटेनर यूज़ करेंगे फॉर कलेक्शन हैंडलिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज। अगर लीक हो गया तो आपके ऊपर कंटेमिनेशन आ सकती है। एनिमल को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उसमें सफिशियंट हाइजीन और वेंटिलेशन स्पेस होनी चाहिए। मसलन अगर आप केजे यूज़ कर रहे हैं, रैक यूज़ कर रहे हैं, तो उसको साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर दे रहे हैं 70% एथेनॉल से रेगुलर इंटरवल्स के बाद, या फ्यूमिगेट कर दे रहे हैं। फीडिंग फीड एंड वाटर, जो है हर एनिमल की फीड और जो वाटर है वो टेस्ट होना चाहिए बिफोर गिविंग देम, ठीक है, उसको पीरियोडिकली आप एनालाइज करते रहें, हर हफ्ते बाद देखते रहें फीड के अंदर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आई, पानी के अंदर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आई, फिर आप एनिमल को अपलाएंगे। वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी शैल बी एग्जिस्ट फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट एंड रिफ्यूज। वेस्ट डिस्पोजल, जितने भी बायोहैजर्डियस केमिकल्स हैं उनको वेस्ट करना 48 आवर से पहले पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपको किसी एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना अगर उसको डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है 48 आवर से पहले पहले, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा तो उसको किसी परमिशन की ज़रूरत होती है स्टेट अथॉरिटी की, ठीक है, वरना उसके ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो सबसे खतरनाक लाइक इंट्रावेनस सेट्स हैं, ट्यूबिंग्स हैं, ब्लड और यूरिन बैग्स हैं, सरिंजेस हैं, शार्प्स हैं, वो आपने रेड बैग के अंदर डाल दें इसमें, और येलो बैग के अंदर साइल्ड बैंडेज आएगी, ड्रेसिंग, कॉटन स्वैब, सैनिटरी पैड और नो प्लास्टिक इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा आप ब्लैक बैग के अंदर पेपर, प्लास्टिक पैकिंग, अनसाइल्ड प्लास्टर के कास्टर्स होंगे और किचन वेस्ट वगैरह होंगे इसके अंदर। ये क्यों ज़रूरी है? इसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसने किसी चीज़ के ऊपर सर्च की हुई है उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए ज़रूरी है
कि आप इस गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस को फॉलो करें। डिटरमिंग ओनरशिप ऑफ आइडिया, किसने इसके ऊपर काम किया है, तो वो अगर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पे काम किया हुआ है तो आपको पता चले ये इस आइडिया पे किसने काम किया है। वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट तभी होगी जब आपने अच्छा काम किया होगा और वो मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में पब्लिश होगा। लो अदर टू प्रोड्यूस वन वर्क, और आपका किया हुआ काम किसी और के पास होगा कि वो आपके वर्क को यूज कर सकता है अपने काम के लिए। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो घंटी के बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर